हेलो आप कैसे हो विवेक? कोई काम है आपको? बहुत प्रॉब्लम चल रही है यार, परेशान कर रहे हो आप। मैंने आपको परेशान किया यार, और बात करो ना, मेरे को बात करने का मन नहीं है। मुझे बात नहीं करनी आपसे, किसी और से बात करो। आप रो क्यों रहे हो? जिंदगी में लगी हो ना, आपके रोने का रीजन मैं तो नहीं हूं ना, क्यों रो रहे हो? ऑलरेडी बहुत परेशान। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं होना यार, आप आगे जाओ ना। वैसे आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं। मैं आपको जानती हूँ क्या? जानता तो मैं भी नहीं हूँ आपको। वैसे प्रॉब्लम क्या है आपको? पढ़ाई करना चाहती हूँ और मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर मैं मिडिल क्लास से हूँ। मेरे घर वाले जब आपको नहीं करना मैरिज आप मना कर दो। कोई नहीं साथ देता, मैंने अपने दोस्तों बच्चों को बोला कि मेरे घर वाले घर पे समझाओ, मेरे छोटी हूँ, मेरी 3 बहनों की शादी हो चुकी है। मेरे घर वाले कहते हैं कि उनकी भी एज होगी कि हम कब तक रहेंगे, तू शादी होगी सेटल हो जा, और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने और मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवानी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मैरिज में देखा था कि वो आपकी लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं हर चीज़ की नहीं एग्री हूँ, बट ये भी तो होना चाहिए कि आपसे शादी कर सकती हूँ। उनकी एज में और मेरी एज में ना बहुत फ़र्क है यार, मैं अपने लेवल का और अपने स्टैंडर्ड का देखना चाहती हूँ। मुझे पैसों से कोई वैल्यू नहीं है, पर मेरा साथ तो दे मेरे घर वाले। वाले ही नहीं मुझे समझ रहे, मैं कंप्लेंट करके कहाँ जाऊँगी? मेरे घर वाले मुझे निकाल दे, मैं अकेली लड़की, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे घर वालों के अलावा मेरा और कोई नहीं है यार। आपकी एज कितनी? 21, वो भी मैं हो जाऊँगी जैन में। आप कंप्लेन करो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप रोने से जिंदगी सरवाइव कर लोगे आप? मैं कंप्लेन करती हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे घर वाले मुझे निकाल देंगे, और मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि कोई मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा देगा। आप अंदर से स्ट्रांग बनो ना, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है इससे ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। फिर आप डॉक्टर बनना चाहती हो तो आप स्ट्रांग बनो, डॉक्टर तो स्ट्रांग होता है। आप रो क्यों रहे हो इतना? रोना तो उनको चाहिए जो आपके साथ जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं आपकी। सुसाइड कर दो। देखिए, जीवन में मरना ही एक ऑप्शन नहीं। अपनी लाइफ खत्म कर दोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर लोग 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, और वो रोएंगे क्यों? जो आदमी आपके साथ जबरदस्ती आपकी मैरिज करवा रहा है विदाउट आपके परमिशन के, वो क्यों रोएंगे? किसी को फर्क पड़ने वाला है? आपको स्ट्रांग बन के लड़ना पड़ेगा। आप कंप्लेन करो, MLA हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एम्बेसडर हो, कोई भी हो, जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हमारे देश में न्यायपालिका है। आप कंप्लेन करो, एक्शन होगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको कंप्लेन तो करना पड़ेगा ही ना, रोना ऑप्शन नहीं है आपके लिए। कि क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मदद करोगे आप मेरी? डॉक्टर बनना चाहती है ना, आप कंप्लेन करेंगी, मैं सपोर्ट करूंगा। कैसे भरोसा करूँ? देखिए, भरोसा तो अपनों पे भी नहीं होता, आपके अपने हैं ना, जबरदस्ती आपकी मैरिज कहीं और करवा रहे हैं ना। आपको किसी ना किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। वहां पर देखो कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरी दुनिया देखे। आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, 21 साल की एज में सपने कुचल दिए जाते हैं। आप जबरदस्ती किसी की मैरिज करवाओगे, अगर वो नहीं करना चाहती तो आप जबरदस्ती करोगे? अगर इनके माता और पिताजी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। अभी उनकी एज है, वो पढ़ना चाहती हैं, वो जीवन में कुछ करना चाहती हैं। आप
मदद ना करो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको आग में ढकेल दो। मेले साहब मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप तो माने नहीं है ना, आप संविधान की शपथ लेते हो, संविधान को ताक पे तो आप रख रहे हो। आप लोगों ने दोबारा इनको परेशान किया तो मैं एक्शन लूंगा आपके खिलाफ, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। डॉक्टर बनना चाहते हो आप, जब तक पढ़ना चाहें, चाहे आप MBBS करना चाहें, MS करना चाहें, जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। का कोई नहीं है ना, उसका आपका अपना गोल्डन भैया है। आपको इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना है।